तो दोस्तों आज जो सर्किट हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया है वो है ओरियन का डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर का आउटडोर सर्किट, जिसमें के FN एरर आ रहा है। तो हम आपको दिखाएंगे कि FN एरर इसमें क्यों आता है और इसकी क्या वजूहत होती है। तो सबसे पहले आए इसको ऑन कर लेंगे। ये देखें हमने ऑन कर लिया तो ये 16 टेम्परेचर पे चल रहा है, ठीक है जी। अब हम इसका वेट करेंगे, जब FN एरर आ जाएगा तो हम आपको पूरी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि ये क्यों आता है। जी दोस्तों, अब देखें FN एरर कोड जो है वो डिस्प्ले पे आ चुका है, ठीक है जी। तो अब हम आपको बहुत तफसील से बताएंगे कि जब FN एरर कोड डिस्प्ले पे आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है और क्या कंपोनेंट्स खराब होते हैं। तो मैं आपको अभी बताता हूं कि जब भी FN एरर कोड आ जाए तो आपका आउटडोर सर्किट जो है वो फॉल्टी है। अब इसमें क्या कंपोनेंट्स फॉल्टी हैं वो भी आपको तफसील से बता देते हैं, ठीक है। तो FN एरर का मतलब है, जो कंपनी ने उसका मतलब रखा हुआ है वो है IPM फॉल्ट। IPM का मतलब है इंटीग्रेटेड पावर मॉड्यूल। तो इंटीग्रेटेड पावर मॉड्यूल जब खराब हो जाए तो आपके डिस्प्ले पर FN एरर कोड आ जाएगा। अब इंटीग्रेटेड पावर मॉड्यूल होता क्या है और दिखता कैसा है, तो उसके लिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये आईसी जो है इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड पावर मॉड्यूल या IPM, ठीक है। जब ये खराब हो जाएगा तो आपके एसी के डिस्प्ले पे FN एरर कोड आ जाएगा। तो ये एरिया, ये जब खराब हो जाए तो ये FN एरर आएगा। इसके अलावा क्योंकि ये सारा एरिया जो है वो कंप्रेसर ड्राइव एरिया कहलाता है और ये सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, तो इसलिए इनमें से भी अगर कोई कंपोनेंट खराब हो जाएगा तो ये FN एरर दे सकता है। इसके अलावा आपके जो IPM और माइक्रो कंट्रोलर के दरमियान जो कंपोनेंट्स हैं, छोटे कंपोनेंट्स हैं, उनमें से अगर कोई चीज खराब हो जाए तो ये भी जो है ना वो FN एरर देगा। आपका IPM बिल्कुल ठीक होगा लेकिन बाकी कोई और कंपोनेंट खराब होगा तो FN एरर देगा। इसके अलावा ये कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, अगर इनमें से कोई कैपेसिटर भी खराब हो जाए तो ये E5 एरर भी दे सकता है और जो है FN एरर भी दे सकता है। ये फिर डिपेंड करता है उसके माइक्रो कंट्रोलर पर कि वो कौन सा आपको एरर शो करेगा। और इसके अलावा यहां पे IGBT, इसकी डायोड और IGBT, अगर इनमें से भी कुछ खराब हो जाए तो ये FN एरर दे सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई है, कोई मसला है, तो आप कमेंट्स में हमसे रابطہ कर सकते हैं और अपने कमेंट्स के जरिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं।